YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में बात करें एक ऐसे शेयर जो की काफी डिस्काउंटेड प्राइस मिल रहे और काफी बेहतरीन शेयर है ये, तो निश्चित रूप से ये शेयर आपको बाय करना चाहिए किसी भी गिरावट में। ये शेयर है अपोलो हॉस्पिटल्स इंटरप्राइजेज लिमिटेड, काफी बेहतरीन शेयर और 72,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब एक लार्ज कैप कंपनी है, मतलब काफी वेल एस्टेब्लिश भी है और लार्ज कैप भी है, और चार्ट भी काफी सॉलिड है कंपनी का। आपको हम इस वीडियो में दिखाएंगे पूरी तरह से किस तरह से चार्ट को आप एनालाइज करेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो डिविडेंड यील्ड कंपनी का मात्र 0.06% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 3.79% है। वही बात करें प्रमोटर्स होल्डिंग का 29.8% है और प्लीज परसेंटेज की बात करें 22.1% है। काफी ज्यादा शेयर प्लीज है, प्रमोटर्स के पास शेयर भी काफी कम है, लेकिन एक लार्ज कैप कंपनी है और लार्ज कैप कंपनी में अगर प्लीज शेयर इतना ज्यादा हो तो भी यहाँ पर कंसर्न है। देखिए ऐसे शेयर अगर प्लीज यहाँ पर छूटता है तो काफी ज्यादा आपको रैली देखने मिलेगा। वही बात करें डेट टू इक्विटी का तो 0.80 ये डेट टू इक्विटी है, मतलब काफी कम डेट है कंपनी के ऊपर, लेकिन यहाँ पर हमारा जो कंसर्न है वो प्लीज परसेंटेज है। अगर आप प्लीज शेयर वाले में नहीं जाना चाहते तो मत जाएं, लेकिन यहाँ पर जो चार्ट है कंपनी का वो काफी सॉलिड है, मतलब शेयर प्राइस का यहाँ पर हम चार्ट देखते हैं काफी सॉलिड है, लेकिन अगर हम फंडामेंटल्स देखते हैं तो जो हमारा क्रिटेरिया है प्रमोटर्स होल्डिंग कम से कम 40% होना चाहिए, वो भी पूरा नहीं है, और उसमें से 29% में से 22% शेयर प्लीज है, ये भी काफी ज्यादा है, लेकिन एक लार्ज कैप कंपनी है तो इतना प्लीज परसेंटेज है तो भी ज्यादा है। देखिए यहाँ पर प्लीज जितना कम रहे नहीं रहे तो ज्यादा बेटर है, तो ये प्लीज परसेंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब प्लीज परसेंटेज रिमूव हो तब आप एंट्री कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए काफी बेहतरीन स्टॉक्स है, जब तक ये प्लीज परसेंटेज है तो अवॉइड भी कर सकते हैं। अब रिजर्व की बात करें 5,000 करोड़ का है, डेट जो 4,000 करोड़ का है, तो आराम से कंपनी अपना डेट पे कर सकती है। अगर वहीं पर टॉप लाइन ग्रोथ की बात करें तो देखिए सेल्स का जो ग्रोथ है 2010 में 2,000 करोड़ था जो कि बढ़कर के हो गया 2021 में 10,000 करोड़ का। वही नेट प्रॉफिट की बात करें 138 करोड़ का था 2010 में जो कि बढ़कर के यहाँ पर हो गया 150 करोड़, 2020 में काफी ज्यादा था, 2021 में थोड़ा सा यहाँ देखिए डिक्रीज हुआ है, मतलब यहाँ कहीं ना कहीं टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों ग्रोथ देखने मिला है, तो टॉप लाइन ग्रोथ सेल्स तो काफी ज्यादा है, प्रॉफिट में थोड़ा सा यहाँ पर हमें गिरावट देखने मिला है 2021 के फाइनेंशियल ईयर में। बैलेंस शीट की बात करें शेयर कैपिटल 72 करोड़ का है सितंबर 2021 के अनुसार। बात करें यहाँ पर डेट का तो डेट जो है कंपनी के ऊपर 4,000 करोड़ से ज्यादा का है, तो डेट भी कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा है। कैश फ्लो की बात करें कैश फ्लो जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से वो है कि 1,273 करोड़ का, तो यहाँ पर कैश फ्लो जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज काफी ज्यादा रहा है और नेट कैश फ्लो ये भी पॉजिटिव रहा है। बात करें इन्वेस्टर सेक्शन का, प्रमोटर्स का जो यहाँ पर होल्डिंग है वो 29% है जो कि पिछले मतलब 2 सालों में लगभग 4% से डिक्रीज हुआ है। FIH का स्टेक 51% है, DIH का स्टेक 12% है और यहाँ पर बात करें पब्लिक का स्टेक मात्र 6% है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो प्रमोटर्स का स्टेक है वो 5% से डिक्रीज हुआ है, तो काफी बेहतरीन ये कंसर्न है। अब बात करें अपोलो हॉस्पिटल के चार्ट का, तो यहाँ पर चार्ट पर देख सकते हैं जो चार्ट है वो काफी बेहतरीन यहाँ पर दिख रहा है। चार्ट पे अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर सपोर्ट लिया ऊपर चला गया, यहाँ पर डबल देखिए टॉप बनाया, डबल टॉप दोनों का जो हाई है लगभग सेम ही है, फिर यहाँ पर नीचे आया, फिर यहाँ से सपोर्ट लेकर के स्टॉक्स ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर देखिए काफी डिस्काउंटेड पे ये स्टॉक्स मिल रहा है। अगर हम अपने हाई से यहाँ पर लगाए नीचे देखिए 20% के डिस्काउंट पर ये शेयर मिल रहा है, जैसा कि लार्ज कैप कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी में 20% डिस्काउंट काफी बेहतरीन डिस्काउंट होता है, काफी बेहतरीन डिस्काउंट पर ये स्टॉक्स अभी भी मिल रहा है, लगभग यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया है तो लगभग 15% का डिस्काउंट अभी भी ये स्टॉक्स दे रहा है। अब देखिए शॉर्ट टर्म के लिए बाय कोई करते हैं, पहले तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रहे हैं तो आपको जो है यहाँ पर देखना पड़ेगा कि प्लीज परसेंटेज रिमूव हो तब जाकर के आप अपना स्टेक लें इसमें। अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं तो उन्हें इस स्टॉप लॉस के साथ बाय करना है, जो स्टॉप लॉस आपका होगा 4,660 के नीचे का क्लोजिंग और यहाँ पर 5,000 अभी प्राइस है, तो अच्छा खासा यहाँ पर 400 से ज्यादा का आपका स्टॉप लॉस है। फिर जो पहला टारगेट होगा वो टारगेट 900 रुपीज का है, 5,930 रुपीज का पहला टारगेट होगा। फिर दूसरा जिसमें टारगेट होगा जितना इसका डिप्ट है उतना ही टारगेट आपको रखना है, तो वो टारगेट यहाँ पर आपको निकल कर आ जाएगा, देख सकते हैं ऊपर वो है 7,200
15 का, तो ये सेकेंड टारगेट होगा, मतलब एक जिस टारगेट को अचीव होने में अच्छा खासा टाइम ये ले सकता है। तो ये था आपका जो शॉर्ट टर्म का टारगेट है, और शॉर्ट टर्म का ये हमारा व्यू था। अब लॉन्ग टर्म का चार्ट देखें तो देखिए चार्ट काफी सॉलिड रहा है, तो हम यहाँ पर वीकली चार्ट लगा लेते हैं। देखिए चार्ट पे कहीं भी आपको वीकनेस नहीं दिखेगा, कभी भी स्टॉक्स ने अपना प्रीवियस लो ब्रेक नहीं किया है, तो देख सकते हैं चार्ट काफी सॉलिड है इसका। देख सकते हैं आप पीछे चलते जाइए, चार्ट जो है काफी सॉलिड है। सिर्फ यहाँ पर 2020-2021 के आसपास यहाँ काफी ज्यादा गिरावट हुआ था, उसके बाद ओवरऑल काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट है इसका, तो काफी अच्छा चार्ट है। आप इसमें चाहे तो निवेश कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जब भी प्लीज परसेंटेज रिमूव हो जाए और स्टॉक जो आपको अच्छे खासे डिस्काउंट पर जिस समय मिल रहा है तो उस समय आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दो क्रिटेरिया याद रखना है, डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको स्टॉक्स मिल रहा हो, साथ ही साथ जो प्लीज परसेंटेज है वो रिमूव हुआ हो, तब आप इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा बेटर रिटर्न मिलेगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही बेहतरीन एजुकेशन इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।